आचार्य आचार्य मैं मर जाऊंगा। मघरासुर, यह सब तुम्हारी व्याघ्रता का परिणाम है। तुम्हें तो कृष्णा के मार्ग पर बाधा उत्पन्न कर दी थी, किंतु कृष्णा ने स्वयं तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। इस स्वर्ग को भूल कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अभी सुरंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगर लोगों को तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो वो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, तुम यहाँ रुक नहीं सकते। जो आ गया गुरुदेव। मित्रों, शीघ्र अतिशीघ्र उठो, अभी तो बहुत अधिक कार्य शेष है। शीघ्र अतिशीघ्र कार्य समाप्त करो। हाँ, कार्य तो अभी बहुत सा शेष है, किंतु ये अच्छा हुआ कि समय पर मैंने तुम्हारे मस्तिष्क से वो स्मृति ही हटा दी, जिससे तुम अब ये नहीं समझ सकते कि मैं वृषभान नहीं अपितु एक मायावी राक्षस हूँ। खेलने के लिए नहीं गए? नहीं कान्हा, तुम्हारे बिना खेलने में मन ही नहीं लग रहा। कान्हा, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सही, तुम ये सिद्ध क्यों नहीं कर देते कि तुम निर्दोष हो? किंतु हाँ मित्रों, इस कार्य में मुझे तुम सबकी आवश्यकता थी। अच्छा हुआ कि तुम सब यहीं आ गए। और ध्यान से सुनो, हमारी गाय लौटा दीजिए। कौन सी गाय? मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। काका, आप झूठ तो मत बोलिए। आपने हमारी गाय चुराई है, कहीं छुपा ली होगी हमारी गाय अपनी गौशाला में। अरे ये क्या कह रही हो, मैंने बोला ना तुम्हारी कोई गाय मेरे पास नहीं है। ये खुदाई रोक दीजिए, ये वृंदावन के लिए अशुभ है। पुत्र, तुम इस समय ठिठोली मत करो, हमें बहुत कार्य करना है। जाओ यहाँ से। हम कैसे आपकी बात मान ले? काका, हम अपनी गाय लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे बस करो, मैंने कह दिया ना तुम्हारी गाय मेरे पास नहीं है। नहीं, एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे गौशाला चलो, देख लो वहाँ तुम्हारी गाय है या नहीं है। आप सबने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, एक बार पूरा विचार तो कर लेते काका। ये बात काना ने कही है, अतः इसमें अवश्य ही दोष है। अब हमें कार्य करने दो। ये देखिए, ये सब तो मेरी गाय है। क्या काका, हमारी गाय यहाँ छिपाई है आपने? चलो ये कार्य तो हो गया।
क्या बांस मैट की लकड़ी? ये सब भूमि से क्यों निकल रही है? ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, ये तो अंतिम संस्कार की सामग्री है। ये सब अशुभ संकेत है, हमें खुदाई रोककर यहाँ से चलना चाहिए। ललिता जाओ और ननका का और बाबा सहित पूरी पंचायत एकत्रित करो, ताकि सबको पता तो चले कि इन्होंने भी कृष्णा की ही भांति चोरी की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय यहाँ कैसे आई। मैंने चोरी नहीं की है, किसी से मत कहना, नहीं तो वो मुझे दंडित करेंगे। तो क्या हुआ काका? काना भी निर्दोष था, फिर भी पंचायत में उसे दंड दिया गया, तो आपको भी दंड दिया जाएगा। नहीं नहीं, काना तो निर्दोष था। किंतु आप ही कैसे जानते हैं? सत्य तो ये है कि मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई थी। मैं वो साहूकार के कहने पर निर्दोष काना के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया था। तो ये बात अब आपको ननकाका के समक्ष स्वीकार करनी होगी, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहना काका। अब वो कृष्ण वृंदावन में रहकर भी अकेला है, क्योंकि उसकी मित्र मंडली उसका साथ नहीं दे सकती। मैंने उन्हें मूक और अंधा बना दिया है आचार्य। सभी वृंदावन वासी तो वैसे ही कृष्ण से कुपित हैं, क्योंकि वो कृष्ण को चोर समझते हैं। अब कृष्ण का साथ कोई नहीं देगा। यह तो अत्यंत शुभ समाचार है मगरासुर। अब वृंदावन में सुरंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कृष्णा तो अपने घर से बाहर ही नहीं आ सकता। सीना प्रहार होगा मेरे काल पर। आज रात्रि में ही मैं सुरंग का कार्य पूर्ण करूंगा। कल जैसे ही आकाश में सूर्य निकलेगा, कृष्णा वृंदावन से बहुत दूर होगा। जी, ना ही मेरे सुदामा को कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया सुदामा को। अरे राधा भी कुछ देख नहीं पा रही है और ना ही बोल पा रही है। ना जाने ये रोग कैसे फैले जा रहा है। वैद्यराजी, क्या ये किसी रोग के लक्षण है? ऐसा रोग तो मैंने पहले ना ही सुना है और ना ही देखा है नंदी। अरे अब क्या होगा कि अगर इस रोग का निदान नहीं मिला तो ये बच्चे कैसे ठीक होंगे? यशोदा, हो सकता है ये किसी विशेष कारण से हुआ हो। एक कार्य किया जा सकता है, बालक बालिकाएं जिस स्थान पर खेलने के लिए जाते हैं, हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए। हो सकता है वहां पर कोई उत्तर मिले। चलिए आइए। कहीं कहीं ये रोग तुम दोनों को हो गया तो? नहीं मैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं काना, मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है। अब तुम दोनों तब तक घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक ये रोग पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। काना, कहाँ मेरी सौगंध? काना, कहाँ मेरी सौगंध?
माफी सगन मैया। ताऊ, अब हमें घर के बाहर निकलना होगा। किंतु कान्हा, मैया ने तुम्हें सौगंध दिया। हाँ ताऊ, मैंने मैया की सौगंध खाई थी कि जब तक कोई भी रोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। किंतु ताऊ, हम तो जानते हैं ना कि ये कोई रोग नहीं है, ये तो दानव के प्रहार करने का प्रभाव है। और वैसे भी पापा ने मुझे जो 7 दिन का दंड दिया था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब संपूर्ण वृंदावन मेरे मुख में है, समझो वृंदावन कृष्ण सहित समाप्त होने ही वाला है। सबके सब डूब के मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अनी से समझ आ रहा है कि हम चारों ओर से जल में डूबे हुए हैं, अब क्या हो सकता है? यदि तुम भी अभ्यास करोगे तो तुम भी इतनी देर तक इस जल में रह सकती हो। एक लंबी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है। अच्छा काना, तो जल में अधिक समय तक रहने का प्रयास आप इसलिए करवा रहे थे? हाँ जाओ, ये प्रयास आज आने वाली विद्या से संघर्ष करने वाला है। जाओ, आप यहाँ रहकर सब कुछ संभालिए। अब समय आ गया है, उस मगरासुर के मृत्यु के अंत का समय निकट है। दाऊ, हे देवी यमुना, आप प्रकट होइए। प्रणाम नारायण। हे देवी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जल प्रवाह से डूबे हुए वृंदावन को बाहर निकाल लीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मगरसुर को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जिस भी वस्तु को वो एक बार जल में डाल देगा वो मगरसुर के मृत्यु के पश्चात या उसकी आज्ञा से ही बाहर निकल पाएगा। किंतु देवी यमुना, वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपका ये कार्य सिद्ध नहीं कर पाऊंगी, किंतु दिन के प्रथम पहर तक मैं वृंदावन वासियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगी। तब तक आपको मगरसुर का अंत करना होगा। मित्रों, अब हम सब ठीक है, अब हम सब लोग बोल भी सकते हैं और डूब भी नहीं रहे। सब लोग धैर्य रखें। मगरासुर, आज तेरी कुटिल चालोकान यही यमुना के तट पर होगा। कृष्ण, मैं तुमसे अपने पूर्वजों का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इस प्रतिशोध की अग्नि इतनी दुर्बल नहीं, ये तुम्हें भस्म किए बिना बुझने वाली नहीं। गुरुदेव, प्रथम पहर समाप्त होने को है, अब मकरासुर को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं।
अत्यंत ही कठिन है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मगरासुर पर मेरे प्रहार का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? कंस, मगरासुर को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसका आधा शरीर जल में और आधा शरीर धरती पर ना हो। कृष्ण, तुम जितना भी छल कर लो तुम नहीं बच सकते। छल मैंने नहीं, तुमने किया है मगरासुर। यदि तुम्हें मुझसे प्रतिशोध लेना था तो तुमने मुझसे सीधे सीधे युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारी पराजय निश्चित है। नहीं, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। की पकड़ से छूट पाना सरल नहीं है मगरासुर। चल नदी की ओर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद वृंदावन जलमग्न कैसे हो गया था? मैया, कान्हा, तुझे मना किया था ना, तू घर से बाहर क्यों निकला? मैया, कान्हा ने सौगंध खाई थी कि जब तक ये रोग समाप्त नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किंतु मैया, ये तो दानव के स्पर्श से प्रभाव था। ये तो श्री हरि की कृपा है, उन्होंने ही हमारी रक्षा की है और कान्हा ने आपकी कोई सौगंध नहीं तोड़ी। नंद जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कान्हा पे झूठा चोरी का आरोप लगाया था। कान्हा निर्दोष था, हम सबको क्षमा कीजिए। बाबा, जब इन्होंने अपनी त्रुटि स्वीकार कर ही ली है तो हमें भी इन्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। किंतु काका, हाँ, भविष्य में कभी भी असत्य का साथ मत देना। इस बार आप बच गए, किंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो असत्य की नाव में सवार होता है वो डूबता अवश्य है। चलते चलते थकान भी हो गई है और प्यास भी लगी है, वहीं से जल मिल जाता तो अच्छा होता। बोरा कुंड में अवश्य ही जल होगा।
क्या कह रही हो सुबल की माँ? सुबल प्रातः काल से नहीं मिल रहा? हाँ यशोदा बहन, सुबल सुबह हमारे खेत पर गया था किंतु अभी तक नहीं लौटा। मैंने खेत और आसपास के सभी स्थानों पर उसको ढूंढा लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। धैर्य रखो सुबल की माँ, सब ठीक हो जाएगा। नंद जी, हम सबके परिजन भी कहीं मिल नहीं रहे हैं। नंद जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे व्यक्ति कहाँ चले गए। साथियों, आप लोग चिंतित मत होइए, हम शीघ्र उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें। तब तक आप लोगों से एक अनुरोध, आप लोग धैर्य बनाए रहें, सब कुछ अच्छा होगा। आप में से कुछ लोग हमारे साथ चलें, आइए। हमें गांव वासियों को सचेत करना होगा क्योंकि जो भी दानव यहाँ आता है तुम्हारे साथ गांव वासियों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य करता है। दाऊ, बिल्कुल ही सही कहा आपने। चलिए चलो सखियों, पहले माखन पहुँचा देते फिर हम सब खेलेंगे। मित्रों, तुम सब घबराओ नहीं, दाऊ और मैं मिलकर मित्र सुबल को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। किंतु हाँ, तुम सबको मेरी एक बात माननी होगी। तुम सबको एक साथ रहना होगा। मान रहे, कोई भी टोली छोड़कर अकेला नहीं रहेगा। और हाँ, गोपियों से भी कहना कि वो समूह में रहे। कान्हा कान्हा, न जाने मेरी सारी सखियाँ कहाँ चली गई है। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, उनमें से एक भी नहीं मिल रही। ये क्या हो रहा है काना? ये सब कौन कर रहा है? अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि सारे मित्र गए कहाँ? हमें उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र ही ढूंढना होगा। अरे हम कौन से स्थान पे आ गए? हमें यहाँ से निकलना होगा। अब हम गांव कैसे जाएंगे? अरे ये गोपियां तो मूर्ति में परिवर्तित हो गई। आगा! साथियों, अभी तक जो भी हमें तथ्य मिले हैं उनसे यही सिद्ध हुआ है, जो भी व्यक्ति वृंदावन की सीमा के बाहर गया है उसके साथ ही ये घटना घटित हुई है। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग सुरक्षा व्यवस्था में हमारा सहयोग दें और कुछ समय के लिए गांव से बाहर ना जाएं। गोपियों की मन भी लगती है। हाँ दाऊ, इसका अर्थ है कि उनका अपहरण इसी स्थान से हुआ है। हो सकता है कि हमें यहाँ कोई अन्य प्रमाण भी मिले। दाऊ, वो देखिए, गोपियों के पच्चन। नंद जी, आपने हमें तो सुरक्षित कर दिया किंतु हम हमारे परिजन वालों को कहाँ ढूंढे? मित्र, हमने खोए हुए परिजनों को बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। किंतु आप सबको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी व्यक्ति खोए हैं उन्हें ढूंढने का एक बार पुनः प्रयत्न करेंगे और उनको ढूंढ कर अवश्य लाएंगे। अरे कान्हा, बलराम ही मुझे नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो भी वृंदावन के बाहर गए। नहीं नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। यशोदा, यशोदा। धर्मस्य यमाणस्य बलवत्तिर्दर।
सुबल के आभूषण है। मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अवश्य ही सुबल और बाकी गोपियाँ यहीं कहीं होंगी। हाँ दाव, आप उचित कह रहे हैं। चलिए। कान्हा, बलराम। यशोदा, तुम घर जाओ। मैं शीघ्र अतिशीघ्र कान्हा बलराम को ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं आ रहे, जब तक कान्हा और बलराम मिल नहीं जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। पता नहीं कहाँ होंगे कान्हा राधा। राधा पुत्री, तूने कान्हा और बलराम को देखा? काकी, कान्हा और दाऊ तो सुबल और सखियों को खोजने निकले हैं। इसका अर्थ है कि वो वृंदावन से बाहर गए होंगे। हे ईश्वर, कान्हा! यशोदा! स्वप्न तो नहीं देख रहे ना? हाँ दाऊ, ये हमारा भ्रम ही था। यशोदा रुक जाओ। यशोदा, यशोदा नहीं, तुम वृंदावन की सीमा नहीं लांघ सकती। नहीं आ रहे, मुझे वहां जाना होगा। अनहो बलराम के प्राण संकट में, कहीं अन्य लोगों की भांति उन्हें भी कुछ हो गया तो? यशोदा, कान्हा बलराम को कुछ नहीं होगा, वो शीघ्र अतिशीघ्र वापस आ जाएंगे। तुम रुक जाओ, बाहर मत जाओ। काकी, काकी आप यही रुकिए, आज मेरी बारी है। कान्हा ने कई बार मुझे बड़े बड़े संकटों से बचाया है, आज मैं उसे बचाऊंगी। नहीं राधा, तुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। काकी, कान्हा ने सदा मेरा साथ दिया है, उसने मुझे कितने बड़े बड़े संकटों से बचाया है, और वो कहता है कि मेरे संकटों पर उसका अधिकार है। तो फिर कान्हा के कष्ट भी तो मेरे हैं। बस अब मैंने सोच लिया है, मैं उसका साथ दूंगी। राधा, राधा पुत्री, राधा! कान्हा, बलराम, पता है अभी राधा हमारे साथ थी, किंतु तुम दोनों को ढूंढने के लिए वो वृंदावन से बाहर चली गई। लला, हमने उसे बहुत समझाया, किंतु वो तुम्हें ढूंढने चली गई। कान्हा, दाऊ, दाऊ, यही दिखाई दे रहा था,
किंतु यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। मैया, मैं राधा को ढूंढने जाता हूँ, पता नहीं वो मेरे खोज में कहाँ होगी। नहीं कान्हा, तुम कहीं नहीं जाओगे। एक तो राधा ने मेरी बात नहीं मानी, हमारे रोकने की बात भी वो वृंदावन से बाहर चले गए, और अब तो फिर से जाने की बात कर रहे। कान्हा, मैं कह ही देती हूँ, तू अब कहीं नहीं जाएगा। नहीं लल्ला, तुम बालकों का बाहर जाना उचित नहीं है, और फिर मैं तो गांव वालों को ढूंढने के लिए जा ही रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं राधा को शीघ्र ही ढूंढ लाऊंगा। यशोदा, मैं चलता हूँ। आर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्य, मैं ग्राम का प्रमुख हूँ, मेरा उत्तरदायित्व है लोगों की रक्षा करना, मुझे कुछ नहीं होगा यशोदा। नहीं आर्य, आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, आप मत जाइए। यशोदा, यही मेरा राजधर्म है, जब भी किसी पर संकट आता है तो सबसे पहले ग्राम प्रमुख को ही आगे आना पड़ता है, और फिर तुम तो श्रीहरि की पूजा करती हो। हम सबको कुछ नहीं होगा यशोदा, श्रीहरि पर विश्वास रखो, अब मुझे तत्काल निकलना होगा। बाबा, नहीं कान्हा, मेरे पास समय बहुत कम है, लोगों के प्राण संकट में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं बाबा, मैं आपको रोक नहीं रहा, बस एक आग्रह है आपसे। बोलो पुत्र। लगता है मात भटक गया। अरे अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ होंगे इस समय। मैया, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी बाबा तो अपना कर्तव्य ही पूर्ण करने गए हैं, और आप तो कहती हैं कि जो अपना कर्तव्य पूर्ण पूरे हृदय से करता है उसकी चिंता तो स्वयं भी हरि ही करते हैं। देखना मैया, बाबा को कुछ भी नहीं होगा। मैया, अब चिंता करना छोड़ो, और अब श्री हरि को स्मरण करो। हाँ पुत्रो, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, संकट देखकर एक बार तो मैं घबरा गई थी, ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये उचित नहीं है। चलो हम घर चलकर हम सब साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करेंगे, श्री हरि हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। किंतु कान्हा, सबसे पहले तो मुझे वचन दे, तो वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ मैया। चलो चलो। हे हरि, अब तुम्हारे यास है, तुम ही आर्य और बाकी वृंदावन वासियों को वृंदावन वापस ले आ सकते हो। ईश्वर, सबको सकुशल घर पहुंचा दो। चलो पुत्रो, अब हम घर आ गए। कान्हा, बलराम, तुम लोग वृंदावन वासियों के लिए चिंता मत करना, आर्य गए हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और हमारे ईश्वर हमारे साथ है। चलो हम प्रार्थना करते हैं। कान्हा, मैया ने तो हमें वचन दिया था ना, और हमें उसका पालन करना चाहिए, और तुम मैया से झूठ बोल रहे हो। दाऊ, कभी कभी अच्छे कार्य के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, और दाऊ वैसे भी
मैया तो सबको सकुशल देखना चाहती है और हम यही कार्य तो करने जा रहे हैं। दाऊ, राम अवतार में मैंने कभी भी वचन नहीं तोड़ा, किंतु कृष्णा अवतार तो मैंने लिया ही इसलिए है कि मैं वचन तोड़कर सत्य का साथ दूं। अच्छा, तो तुम सबको स्मरण है ना कि मैंने क्या कहा था कि जब तक मैं और दाऊ सुबल और बाकी गाँव वासियों को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक तुम सब साथ में रहोगे। कान्हा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं मधु, तुम सब यहीं रहोगे। कान्हा, ये आवश्यक नहीं है कि हम सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो आज तुम्हें हमारी ये बात माननी होगी। हाँ कान्हा, मधुमंगल सही कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मधुमंगल, ये सब उचित नहीं है। कान्हा हर बात हमारी टोली की भलाई के लिए कहता है, गांव के इतने सारे व्यक्तियों का कोई पता नहीं है और सुबल भी कहीं नहीं मिल रहा। सभी गांव के लोग चिंतित हैं और यदि इन सब में तुम सब भी कहीं खो गए तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्या उत्तर दूंगा मित्रों? खो तो तुम भी सकते हो कान्हा, फिर हम नंद कक्कू को क्या उत्तर देंगे? नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अन्यथा तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। मूर्तियाँ, ये तो सब वृंदावन वासी हैं, ये सब मूर्तियाँ कैसे बन गए? ये सब पशु, ये पशु मुझे घेर क्यों रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये पशु, दानव, पाना, मधुमंगल का व्यवहार आज बड़ा ही विचित्र था। हाँ दाऊ, और आज वैसे भी सब कुछ विचित्र घट रहा है। और दाऊ, इस समस्या का हल करने के लिए हमें एक बार फिर वृंदावन की सीमा के बाहर जाना होगा। कान्हा, वृंदावन की सीमा के बाहर तो हम आ गए, किंतु अब आगे की योजना क्या है? दाऊ, आगे की योजना तो मैंने पहले ही बना ली थी। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। दाऊ, जब मैं सुबल और बाकी गोपियों को छुड़ाने गया था तब उस वृक्ष पर मैंने एक चिन्ह बना लिया था। अब वही चिन्ह और एक वस्तु हमारी सहायता करेगी। बाबा, एक आग्रह है आपसे। बोलो पुत्र। बाबा, आप ये जल से भरी मटकी अपने साथ ले जाइए। कान्हा, ये मटकी किस लिए? और ये छिद्रा, इस छिद्रा के कारण तो जल भूमि पे गिरते जा रहा है। मैया, यदि बाबा किसी संकट में गिरे तो ये भूमि पर जल की गिरे बूंदे और बाबा के परचिन हमें उन तक पहुंचने में हमारे मार्गदर्शन करेंगे। बाबा, आपको किसी भी प्रकार इस मटकी को पकड़ कर रखना है। ठीक है लल्ला, मैं इस मटकी को अपने साथ ही रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। वो देखिए परचिन और भूमि पर गिरे जल की बूंदे, अब हम मार्ग नहीं भटकेंगे। कान्हा, यहाँ की मिट्टी बस की बात ही काली क्यों है?